हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो एमकॉम में सेम फोर का जो कॉरपोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर है, काफ़ी ख़तरनाक सम होता है उसमें, ठीक है। तो कुछ तो इजी है पर कुछ खतरनाक है। तो सबसे पहले तुमको वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के ऊपर सम आएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू यील्ड वैल्यू निकालना है 15 मार्क का। फिर उसके ऑप्शन में भी गुडविल आ सकता है। फिर चिल्लर सम आएगा तुमको, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 कॉस्ट ऑफ एसेट, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रिपोर्टेबल सेगमेंट ढूंढना है, या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 आ सकता है। तो ये चिल्लर दो आएंगे और एक डायरेक्ट लमसम 15 मार्क का सम आएगा। तो तुमको डिपेंड करता है क्या करना है, राइट। इजी तो फर्स्ट वाला ही है, अलग अलग मेथड है। और सबसे कंफर्म क्वेश्चन, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तुमको निकालना है, प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन, माइनॉरिटी, है ना। उसके बाद अपने को होल्डिंग रेशियो, माइनॉरिटी, शेयर होल्डिंग, तो ये सब सॉल्व करना, फिर बैलेंस शीट बनाना। कंफर्म है इजी वाला आएगा, एक हार्ड वाला आएगा 15 मार्क का, 15 15 30। फिर दैट आफ्टर दैट यू विल गेट गुडविल सम, जिसमें सुपर प्रॉफिट मेथड पूछा रहेगा या कैपिटलाइज मेथड। सुपर प्रॉफिट पूछता है, फिर उसके ऑप्शन में हो सकता है कि 8 7 मार्क का छोटे छोटे समय अकाउंट स्टैंडर्ड 33 EPS वाला, बोरिंग कॉस्ट, टैक्स वाला एग्जाम है, ओके। या फिर ना ये क्वेश्चन चेंज हो सकता है, जो सिक्वेंस वाला ना ऊपर नीचे भी आ सकता है। गुडविल के ऑप्शन में शेयर्स आएगा, ये बैलेंस शीट छोटे छोटे समीदार आएंगे, जो 45 मार्क के प्रॉब्लम हो गए और 15 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स। मैंने क्या किया स्टूडेंट, सब अच्छे से सॉल्व कर दिया हूँ। इफ़ यू नीड माई हेल्प तो मैं सब तुमको सेंड कर दूंगा, जितने भी वीडियोज़ बनाए मैंने, अच्छा खासा बना दिया हूँ, ज़्यादा नहीं, 200 mAh चार्जिंग, ओके। और फिर शॉर्ट नोट्स तुमको याद करना है, फाइनेंशियल रिपोर्ट फ्रेमवर्क, सुपर फाइव मेथड ऑफ गुडविल, या फिर FMP आएगा, स्कोप ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23, AS 12, और इनकम टैक्स के ऊपर, और AS 33, चारों में से दो एक शॉर्ट नोट पूछेगा। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, IFRS एनुअल रिपोर्ट, ये सब तुम्हारे शॉर्ट नोट्स तुम्हारे रहेंगे, ठीक है। ये सब टॉपिक तुमको क्या करना है, रिवाइज करना है। तो एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग तुम्हारा टॉपिक रहेगा, फाइनेंशियल अकाउंट थोड़ा टिपिकल है, बस प्रैक्टिस करेगा तो हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।